आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। इस वक्त खबर चोपड़ा तहसील के थानोरा से। चोपड़ा तहसील के थानोरा तथा पंचक के बीच में हुए हादसे में शिवसेना तालुका उप प्रमुख की घटनास्थल पर ही हुई मौत। घटना के बाद क्रुद्ध भीड़ ने गाड़ी में लगाई आग। मृतक व्यक्ति का नाम विश्वास आत्माराम पाटिल तथा उनकी उम्र 55 वर्ष थी। ये घटना कल 16 अक्टूबर को हुई। अंकलेश्वर बुरहानपुर महामार्ग पर अड़ावत से करीब थानोरा और पंचक के बीच में एक इंडिका ने बाइक सवार श्री विश्वास आत्माराम पाटिल को टक्कर मारी, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद वहां जमा क्रुद्ध भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडिका में कुल 2 लोग थे, जिसमें से एक फरार होने में कामयाब हुआ और एक शख्स को वहां उपस्थित लोगों ने अड़ावत पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। घटना का पता चलते ही अड़ावत पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक श्री योगेश तांदले अपने सहकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को शांत किया, साथ ही ट्रैफिक वगैरह को भी मार्गस्थ किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस इंडिका गाड़ी से ये हादसा हुआ, उसमें शराब की बोतलें पाई गई। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चालक तथा उसका सहकारी शराब के नशे में धुत थे। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ एनी टाइम।